अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको टाइम सेविंग सीक्रेट्स जो हैं प्रीमियर प्रो के वो बताऊंगा सारे। इसमें हम प्रीमियर प्रो को शॉर्टकट के साथ अगर यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो है कितना टाइम हम अपना बचा सकते हैं। प्रो लेवल की एडिटिंग जो है वो आप खुद अपने तौर पे कर सकते हैं सारा कुछ। आज मैं सिर्फ आपको क्या बताऊँगा कि आपने जो है वो सीक्रेट्स जो शॉर्टकट्स आपको शायद ना पता हो तो वो सारे शॉर्टकट्स जो है वो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो आपने वीडियो जो है वो लास्ट तक देखनी है और चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आप न्यू हैं, और बेल आइकन को क्लिक करना है ताकि न्यू वीडियोज जो होंगी आपके पास पर वक्त आते रहें। चलते हैं स्क्रीन की तरफ। स्क्रीन पर हम आ गए हैं प्रीमियर प्रो के। प्रीमियर प्रो में आपने सबसे पहले क्या करना है, इसका इंटरफेस जो है वो आप अपने तौर पर सेट कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लगता है, मुझे ये वाला पसंद है तो मैंने जो है वो अपनी आसानी के लिए ये वाला सेट किया है। आप कुछ भी सेट कर सकते हैं इसमें, ये आपके ऊपर अपने ऊपर। अब हम चलते हैं कि मैं एक क्लिप जो है वो यहाँ पे टाइम लाइन पर ले आया हूँ। टाइम लाइन को आपने जो है वो आपको पता है छोटा या बड़ा करने के लिए आप जो है वो ऑल्ट दबा के स्क्रोल व्हील को आप क्या करते हैं, यहाँ पे स्क्रोल करते हैं ऐसे ही है, या फिर इसको जो है वो आप यहाँ से खींच के ज़्यादा छोटा या बड़ा कर सकते हैं। सबसे पहले शॉर्टकट इसमें बता देता हूँ कि आप अगर कीबोर्ड से प्लस या माइनस जो है इसको प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये देखें, प्लस या माइनस में कर रहा हूँ तो हमारे पास ये प्लस दबा रहा हूँ तो बड़ा हो रहा है हमारे पास टाइम लाइन, ठीक है। माइनस दबा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ये छोटी हो रही है, ठीक है। तो कीबोर्ड से आप प्लस या माइनस का बटन अगर दबाएंगे तो आपकी टाइम लाइन जो है वो छोटी या बड़ी हो सकती है, जिसके लिए आप जो पहले ऑल्ट दबा के माउस का स्क्रोल व्हील जो है उसको वो करते थे, अब क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे आराम से इसको प्लस माइनस के साथ जूम कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा इसका शॉर्टकट है ये है कि आप यहाँ पे लेट्स सपोज हमारे पास ये है, इसको मैं थोड़ा सा लेंथ ही कर लेता हूँ। लेंथ ही करने के बाद हमारे पास यहाँ पे मैं दो कट लगा लेता हूँ, सिंपल मैंने एक यहाँ पे कट लगा लिया और एक जो है वो यहाँ पे कट लगा लिया। कट लगाने के लिए आप जो है वो कंट्रोल के भी यूज़ कर सकते हैं शॉर्टकट कमांड, और सी जो है वो रेजर टूल, या भी हमारे पास जो रेजर टूल है, ठीक है, रेजर टूल से भी आप यहाँ कट लगा सकते हैं मैनुअली, तो यहाँ पे आपके पास कट लग जाएंगे सिंपल। अच्छा, अब मैंने जो है ये वाला पार्ट डिलीट कर दिया। अब मेरे पास अगर डिलीट मैंने किया सिंपल, डिलीट करने के बाद क्या हुआ, इसने जो है दरमियान में हमारे पास थोड़े से स्पेस को छोड़ दिया, ठीक है। तो अगर छोड़ दिया हमें जो है अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आप जो है इस क्लिप को साथ लेकर आगे जोड़ेंगे। अगर आपका ये स्नैपिंग टूल ऑन है तो ये आपका जो है वो खुद ही आगे इसके पास साथ चिपक जाएगा, ठीक है। अगर आपका स्नैपिंग टूल ऑफ है, यानी कि ये मकनाती जैसा जो टूल है हमारे पास, अगर ये ऑफ है तो हम जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए इसको साथ जोड़ना, और कभी कभी ये ओवरलैप भी कर जाता है तो हमारे लिए जो है वो क्या करते हैं, मसला क्रिएट कर देता है। तो आपने जो है बस को साथ ऑन रखना है, इसको चेक करने या अनचेक करने के लिए इसकी शॉर्टकट कमांड है एस, सिंपल, ठीक है। अब एस को प्रेस करेंगे तो ये अनचेक हो जाएगा, एस को दोबारा प्रेस करेंगे तो चेक हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। मैं असल में आपको ये बताना ये था कि आप जब इसको डिलीट करते हैं, ठीक है, तो कंट्रोल जी से वापस लेकर आता हूँ मैं, ठीक है। ये वाला अब जो अब मैंने पहले मैंने डिलीट किया था तो हमारे पास जो है दरमियान में क्या हो गया था, थोड़ी सी स्पेस रह गई थी, लेकिन अगर मैं शिफ्ट डिलीट दबाऊं तो आपने क्या करना है, शिफ्ट डिलीट के साथ क्या होगा, ये हमारे पास रिपर डिलीट हो जाएगा। रिपर डिलीट क्या होता है कि हमारे पास जो दरमियान का वो था पोर्शन वो डिलीट हुआ और पीछे वाला क्लिप उसके आगे वाले क्लिप के साथ खुद ही जाकर स्नैप हो जाएगा, ठीक है। तो हमें बाकायदा जो है वो खुद ड्रैग करके लाके हमें जोड़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक ये हमारे पास शॉर्टकट कमांड है इसकी। उसके बाद जो है शिफ्ट के बटन के साथ आप यहाँ पे, अगर शिफ्ट के साथ जो मैं जो जो कमांड है सारी वो मैं आपको बता रहा हूँ डिटेल में, शिफ्ट अगर आप प्रेस करके रखेंगे, वन प्रेस करेंगे तो आपके पास जो है आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो है ये प्रोजेक्ट पैनल के ऊपर क्लिक हुआ है। अगर मैं शिफ्ट के साथ टू क्लिक करूंगा तो देखें ये सोर्स पैनल हमारा ओपन हो गया, ठीक है। सोर्स पैनल आपका शिफ्ट टू के साथ क्लिक होगा। शिफ्ट थ्री के साथ करूंगा तो ये देखें हमारे पास ये टाइम लाइन के ऊपर आ गया, ठीक है। ये ब्लू कलर का जो बॉक्स है जिससे चेक हो जाता है, टाइम लाइन के ऊपर आ गया। शिफ्ट फोर प्रेस करूंगा तो हमारे पास ये प्रोग्राम विंडो के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। शिफ्ट फाइव प्रेस करूंगा तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इफेक्ट्स कंट्रोल, यानी आप बारी बारी जो है वो इफेक्ट्स कंट्रोल के ऊपर जाने के लिए जो है वो माउस को बजाय लेने के लिए शिफ्ट फाइव दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास डायरेक्ट हमें इफेक्ट्स कंट्रोल में ले जाएगा। इसी तरह शिफ्ट सिक्स दबाएंगे
तो हमारे पास ये ऑडियो ट्रैक मिक्सर ये इतना वैसे इतना यूज नहीं करते, सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ। शिफ्ट 7 दबाएंगे तो ये इफेक्ट्स के ऊपर ले आएगा, इफेक्ट्स कंट्रोल और इफेक्ट्स, ये हमारे पास दो जो है वो लगातार इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इसकी जो शॉर्टकट कमांड है इफेक्ट कंट्रोल की शिफ्ट 5 है और इसकी जो है इफेक्ट्स की शिफ्ट 7 के साथ है, ठीक है। तो आप जो है वो यूं क्या कर सकते हैं, बजाय इसके कि माउस से आप बारी बारी सिलेक्ट करें और यूं आप सिलेक्ट कर सकते हैं। शिफ्ट 8 दबाएंगे तो मीडिया ब्राउजर है, ये इनकी चीजें आगे जो है हमारे पास बहुत कम यूज होती हैं लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। शिफ्ट के साथ 9 दबाएंगे तो आपके पास ये ऑडियो क्लिप मिक्सर है, और शिफ्ट के साथ जो आगे जो है वो काउंटिंग इसमें खत्म हो चुकी है फिलहाल। अच्छा आगे हम चलते हैं जी, ये सारे मैं क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए। अच्छा जी, उसके बाद डेमो में आ जाते हैं हम, और प्रोजेक्ट में, सॉरी प्रोजेक्ट में आ गए। अब मैं क्या करता हूँ, अगर लेट्स सपोज मैं जो है वो एक और इसके ऊपर क्या ले आया हूँ, क्लिप ले आया हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड में मेरे पास जो है वो स्क्रीन रिकॉर्डर है, और ऊपर जो है वो मैंने इसके ऊपर शॉर्ट्स के लिए जो एक वीडियो अपना रिकॉर्ड की थी शॉर्ट्स, वो उसके लिए मैंने रिकॉर्डिंग इसके ऊपर ले आया हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, इन शिफ्ट के साथ इन सबको सिलेक्ट करता हूँ। अब सिलेक्ट करने के बाद आप जो है वो नेस्ट करते हैं, ठीक है। नेस्ट करने के लिए जो आपके पास शॉर्टकट कमांड है वो हमारे पास है शिफ्ट के साथ एन, आप प्रेस करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नेस्टेड सीक्वेंस जो है वो भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। बजाय इसके कि आप जो है वो क्या करें, इनको राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेस्ट आ रहा है तो यहाँ पे क्लिक करें, तो आप शॉर्टकट कमांड से क्या कर सकते हैं, इनको शिफ्ट प्लस एन जो है वो आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस वीडियो को मैं फिलहाल के लिए डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो है हमारे पास यहाँ अगर हम एरो कीज के ऊपर आते हैं, अब एरो कीज अगर मैं सिंपल फॉरवर्ड की जो है उसको प्रेस करूँ तो हमारे पास क्या हो रही है, सिंगल सिंगल फ्रेम जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काउंटिंग में कि एक सिंगल सिंगल फ्रेम जो है वो ये आगे जा रहा है, ठीक है। अगर मैं यही शिफ्ट के साथ प्रेस करूँ तो ये देखें 5 फ्रेम जो है वो आगे जाएगा, ठीक है, 5 फ्रेम। अगर सिंपल एरो की दबाएं नेक्स्ट जो है वो फॉरवर्ड एरो की, ठीक है, तो वही क्या होगा, एक एक फ्रेम को आगे लेके जाएगा। अगर मैं शिफ्ट के साथ प्रेस करूंगा तो ये 5-5 फ्रेम्स को क्या करेगा, आगे हमें लेके जाएगा, ठीक है। बैकवर्ड करेंगे तो इसी तरह 5 फ्रेम पीछे आता रहेगा, फॉरवर्ड करेंगे तो इसी तरह उतने फ्रेम्स आगे जाता रहेगा। उसके बाद है हमारे पास लेट्स सपोज ये वाली एक क्लिप आ गया, और यहाँ से जो है वो मैं इसको कट लगा लेता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। लेट्स सपोज आप काम कर रहे हैं और आपके पास बीच में जो है वो आपने कटिंग की है कुछ क्लिप्स की, क्लिप्स की कटिंग करने के बाद आपके पास जो है वो क्या आ गया, गैप्स आ गए बीच में, तो इन गैप्स को आप जो है वो डायरेक्ट सिंपल या तो ये करेंगे, आप यहाँ से अगर आप इनको जोड़ेंगे साथ साथ तो आपके पास जो है वो काफ़ी ज़्यादा, अगर गैप्स हैं तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो स्पेंड हो जाएगा। इसका टाइम सेविंग इसके लिए क्या हो सकता है, शॉर्टकट कमांड आपने सिंपल क्या करना है, दो तरीके हैं यहाँ से, आप या तो सबको सिलेक्ट कर, यहाँ पे आप जो है वो क्या कर सकते हैं, क्लोज गैप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप क्लोज गैप यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा, गैप्स को क्लोज कर देगा, एक तो ये तरीका है, एक सिंपल इसकी शॉर्टकट कमांड है। अगर आप सबको सिलेक्ट करें, यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद आपने ऑल्ट जी प्रेस कर देना तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास सारे गैप्स को ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, क्लोज कर देगा, ठीक है। अब शॉर्टकट कमांड जो है वो अगर आपको जहन में नहीं है और आप जो है वो खुद से अपनी शॉर्टकट कमांड्स बनाना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, कंट्रोल ऑल्ट के प्रेस करेंगे तो आपके पास जो है ये शॉर्टकट कीबोर्ड शॉर्टकट के ऊपर ले आएगा, ठीक है। कीबोर्ड शॉर्टकट में आप यहाँ से जो है वो सारे शॉर्टकट देख सकते हैं और देख के इनको ऑटोमेटिकली चेंज भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं जो है वो क्लोज गैप के ऊपर जाता हूँ तो क्लोज गैप के ऊपर यहाँ पे हमारे पास ये आ गया, आप यहाँ से जो है वो कोई भी कमांड यहाँ पे चेंज करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कमांड चेंज हो सकती है। अगर यहाँ पे ऑल्ट जी है, मैं इसको क्रॉस करता हूँ, यहाँ पे मैं रखता हूँ जी कंट्रोल शिफ्ट जी, अगर मैं प्रेस करता हूँ तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये उन्होंने पहले बता दिया शॉर्टकट पहले ही किसी के लिए यूज हुआ है तो इसलिए अनग्रुप के लिए यूज हो रहा है तो इसलिए जो आप ये नहीं रख सकते, क्या कंट्रोल ऑल्ट या कुछ भी आप यहाँ से रख सकते हैं जो पहले किसी और के लिए यूज ना हुआ हो, और यहाँ से आप अपनी कमांड भी यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास किसने आता है, ये कंट्रोल ऑल्ट प्लस के। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास जो न्यू कमांड है शॉर्टकट कमांड वो है जी आप ट्रांजिशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं चलता हूँ इफेक्ट्स में, इफेक्ट्स में जाके मैंने क्या किया यहाँ पे ट्रांजिशन सिलेक्ट कर लिया, ट्रांजिशन में मेरे पास ये ट्रांजिशन कुछ आ जाएगी नीचे, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास
बाय डिफॉल्ट ट्रांजिशन है वो मैंने जो है वो आयरिस राउंड को किया हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसको आयरिस इसको राइट क्लिक करूँ सेट सिलेक्टेड एज डिफॉल्ट ट्रांजिशन, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, बाय डिफॉल्ट हमारे पास एक ट्रांजिशन अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अगर आप यहाँ पे टाइमलाइन पे आते हैं और आपकी जो है वो बाय डिफॉल्ट ये वाली सिलेक्ट है, तो आप यहाँ पे शिफ्ट के साथ डी प्लस करेंगे, सिंपल शिफ्ट के साथ डी प्रेस करेंगे अपने क्लिप को सिलेक्ट करने के बाद किसके ऊपर आप अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे पास डायरेक्ट ट्रांजिशन को अप्लाई कर देगा। ठीक है, ये देखें आप ट्रांजिशन जो है वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो रही है, उसके शुरू में और एंड पे जो है वो ट्रांजिशन को क्या कर देगा, अप्लाई कर देगा शिफ्ट प्लस डी के साथ। ठीक हो गया, ये भी हमारे पास एक न्यू शिफ्ट के साथ जो है वो कमांड आ जाती है। उसके बाद कंट्रोल जी करता हूँ मैं इसको, कंट्रोल जी करके दोबारा अब मैं आपको चल लेकर चलता हूँ जे के एल जो है कीज किस लिए यूज होती हैं। जे अगर आप प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो है ये वीडियो बैकवर्ड को चलाने लग जाएगा। ठीक है, अगर आप एल को प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये वीडियो को क्या करेगा, आगे को चलाना स्टार्ट कर देगा। अगर आप K को प्रेस करेंगे तो क्या हो जाए, वीडियो को वहीं पे रोक देगा, जो कि स्पेस बार भी काम कर रहा होता है। अगर आप स्पेस बार को भी दबाएंगे तो क्या होगा, हमारे पास क्लिप जो है वो प्रोग्राम मॉनिटर के अंदर चलना स्टार्ट हो जाएगा। वो हमारे पास आगे फॉरवर्ड हो रहा है, तो आप K प्रेस करेंगे वहाँ पे ये स्टॉप हो जाएगा, और L प्रेस करेंगे तो सॉरी J प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, बैकवर्ड। तो J के L का हमारे पास ये काम है, आप जो है वो क्लिप्स को फॉरवर्ड बैकवर्ड जो है वो यूज कर सकते हैं। अब यही काम अगर आप शिफ्ट के साथ करेंगे तो क्या होगा, शिफ्ट J प्रेस करेंगे तो ये देखें चल रहा है, हमारी वीडियो चल रही है लेकिन क्या हो गया, स्लो हो गया। ठीक है, इसी तरह अगर आप शिफ्ट के साथ एल प्रेस करते हैं तो क्या होगा, ये हमारे पास वीडियो चलती रहेगी लेकिन क्या हो जाएगी, थोड़ी स्लो आगे फॉरवर्ड हो गई। ठीक है, लेट्स सपोज मैं स्पेस बार के साथ इसको स्टॉप करता हूँ, शिफ्ट के साथ मैंने एल प्रेस किया। ठीक है, अब हमारी जो है वो वीडियो क्या हो गई है, आगे चलना स्टार्ट हो गया लेकिन स्लो। ठीक है, अगर आप सिंपल एल प्रेस करते हैं तो ये वीडियो हमारे पास फास्ट में प्ले होगी, अगर आप शिफ्ट के साथ करते हैं तो ये स्लो हमारे पास क्या हो जाएगी, प्ले होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, लेट्स सपोज हमारे पास दो तीन चार या पाँच छः इकट्ठे एक ही अलग अलग ट्रैक्स के ऊपर हमारे पास क्या है जी, क्लिप्स हैं, और हम चाहते हैं कि सबके ऊपर एक ही टाइम में जो है वो कट लग जाए, बजाय इसके कि हम जो है वो सबको सिलेक्ट करें, सबको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम अलग अलग जो है वो कट लगाएं। इसको क्या करें, हम सिंपल यहाँ पे अगर कट लगाएंगे, इसको कट लगाएं, फिर यहाँ पे सेम कट लगाएं, तो हो सकता है वो कट आके पीछे हो जाए और हमारी वीडियो जो है वो खराब हो सकती है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल आपने सबको सिलेक्ट करना है, सबको सिलेक्ट करने के बाद एक तो आपका सिंपल है कंट्रोल के प्रेस करेंगे तो सबके ऊपर ऑटोमेटिकली कट लगा देगा। ठीक है, सिंपल इसका दूसरा शॉर्टकट कमांड है कि अगर सी आपने प्रेस किया तो शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या हो गया, ये डबल रेजर हो गया, आप यहाँ पे कट लगाते हैं तो ये सबके ऊपर क्या कर देगा, कट ऑटोमेटिकली लगा देगा। ठीक है, अगर सिंपल कट लगा रहे हैं एक, अगर आप ट्रैक को कट करना चाहते हैं तो आप सिंपल सी प्रेस करेंगे, शिफ्ट के साथ सी को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये सारे ट्रैक्स को कट कर देगा। इसका दूसरा तरीका ये है कि आप सारे ट्रैक्स को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के दबाएंगे तो वहां से भी आपके पास सारे ट्रैक्स उसी जगह पे कट लग जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये जो जितने भी शॉर्टकट्स मैंने बताए हैं आपको ये पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस जो हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।